हाथरस पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर सिंह और सदर कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद ने फोर्स के साथ बाजारों में किया पैदल भ्रमण। घंटाघर, निजिहाई बाजार और घास मंडी में पैदल गश्त करते हुए रोस्टर के खिलाफ खुली हुई दुकानों के दुकानदारों को उन्होंने चेतावनी दी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लोगों से अपील की, साथ ही बिना मास्क लगाकर घूम रहे लोगों को हिदायत दी और बिना मास्क लगाकर घूमने वाले लोगों को मास्क भी वितरित किए। पुलिस अधीक्षक के पैदल गश्त करते ही बाजारों में खलबली मचने लगी और रोस्टर के खिलाफ खुली हुई दुकानों के दुकानदार अपनी दुकानों के शटर बंद कर वहां से भाग खड़े हुए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना से बचाव का अभी बस दो ही रास्ते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए और मास्क या माउथ कवर का इस्तेमाल किया जाए। इसी के सिलसिले में जन जागरूकता के लिए हम लोगों ने आज कुछ मास्क वितरित किए हैं और पैदल गश्त करके लोगों को ये बताया है कि दुकानों के, अपने प्रतिष्ठानों के सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए ताकि हम लोग कोरोना से बचाव कर सकें। ये लगातार हम लोग कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। आला अधिकारी के निर्देश प्राप्त होने के बाद कोतवाली सदर पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक हाथरस विक्रांत वीर सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली सदर प्रभारी जगदीश चंद ने अपनी पुलिस टीम के साथ बीती रात्रि अलग अलग स्थानों पर दबिश देते हुए टॉप 10 अपराधियों में से 4 अपराधियों को दबोच। पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। जनपद में पुलिस के अनुसार पकड़े गए टॉप 10 अपराधियों में से पकड़े गए 4 अपराधियों के नाम इस प्रकार हैं: सनी उर्फ सलीम निवासी किलाखाई, अशरद निवासी कोटी बेलनशाह, सूरज उर्फ गजनी निवासी नगला टीका, जावेद निवासी लाला का नगला, जिनके पास से पुलिस ने काफ़ी मात्रा में नशीला पाउडर और 2 तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने टॉप 10 अपराधियों में से पकड़े गए बदमाशों का खुलासा करते हुए बताया कि ये शातिर किस्म के बदमाश हैं और टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। इन्होंने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दिया है। सर, आज कोतवाली सदर में सर खुलासा किया गया, सर क्या मामला है, सर किस मामले में सर बदमाश पकड़े गए हैं? सर, ये एडीजी जोन महोदय के निर्देशानुसार जनपद में टॉप 10 अपराधियों और थानों के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत कल रात में थाना कोतवाली के द्वारा अलग अलग 3 प्रकरणों में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इन अभियुक्तों के पास से नशीले पदार्थ और असलहे भी बरामद की गई है। इन अभियुक्तों की एक अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अपराध 3 प्रकरण में पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सर, पूछताछ में कुछ और भी पता चला है क्या जानकारी? पूछताछ में इनके अन्य अकॉम्प्लिसेज और इनके बारे में जानकारी की गई है, जिसके बारे में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, प्रगति होने में अवगत कराया। सासनी कोतवाली चौराहे पर अवैध CNG वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें परिवहन विभाग ने LPG व CNG किट वाले अवैध वाहनों को चेक किया। कुछ दिनों पहले ही कोतवाली चंदा पर एक CNG वैन जलकर खाक हो गई थी, जिसके चलते प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए जिन गाड़ियों पर LPG और CNG के पास नहीं है और जो अवैध तरीके से गैस सिलेंडर लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, उनको सीज किया गया, जिसमें RTO फरुद्दीन अलीगढ़ मंडल, ARTO चौधरी लालाराम हाथरस व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस अभियान के दौरान CNG और LPG के 10 वाहनों को सीज किया गया। आज जो आपने सासनी चौराहे पे चेकिंग करी है, सर वो किस संबंध में चेकिंग करी है? अभी 3 जुलाई को एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई इसी राजमार्ग पर कोतवाली चंदा के सामने, जिसमें 3 भारतीय वैन में 2 व्यक्ति की जलकर मृत्यु हो गई थी और मुख्य कारण ये था कि उसमें अवैध रूप से LPG किट लगा था। हमारे मंडलायुक्त महोदय ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए मंडल के सभी प्रवर्तन अधिकारियों को इस बारे में सघन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में हाथरस में आज ये विशेष चेकिंग अभियान में RTO प्रवर्तन हमारे जनपद के RTO लालन जी के साथ चला रहा हूँ और अभी 4 मारुति वैन हम लोग इस थाने में सीज कर चुके हैं, जिनके अवैध LPG किट लगे हुए हैं। अभी कार्रवाई दिन में अभी और जारी रहेगी।